जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लास होती है, जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे 10 बजे हिंदी साहित्य की अपनी क्लास होती है रात्रि में। तो सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और आपके लिए यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आए हैं। मात्र 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। जो भी परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का हिमालय ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसी पर ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यज्ञ को आंगन के पार द्वार रचना पर सन 1964 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, बताइए। सलाह का सम्मान या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रागिनी जी, जसवेल जी, सोनू जी, क्या होगा सही आंसर? नीतू जी। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही राइट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार रचना पर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 2 कि मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, ये रचना किन की मानी जाती है ये भी बताना है। मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, 1958 में, 1960 में, 1963 में या फिर 1964 में। तो सही राइट आंसर होगा इस रचना पर 1958 में जो है मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राहुल सांकृत्यन जी की रचना मानी जाती है मध्य एशिया का इतिहास। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। लखविंदर जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपका 3 कि विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश रचना के लिए व्यास सम्मान कब प्राप्त हुआ। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को, बताइए, व्योमकेश दरवेश रचना के लिए पूछा है तो व्यास सम्मान मिला था 2013 में, 2011 में, 2016 में या फिर 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर क्या है, राइट आंसर 1 सही राइट आंसर है 2013 में। 2013 में आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। 2013 में व्योमकेश दरवेश रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सलाका सम्मान या फिर साहित्य अकादमी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए 1968 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया गया था, वह कौन सा पुरस्कार था। तो 4 का सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा है, बिना दरवाजे का मकान की रचनाकार कौन माने जाते हैं। ये रचना पूछी जाती है किन की रचना है, बताइए। बिना दरवाजे का मकान रामदास मिश्र की रचना है, सूर्यबाला, प्रभा खेतान या फिर मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, रामदास मिश्र जी की रचना मानी जाती है कौन सी, बिना दरवाजे का मकान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, ये रचना याद रखिए, रामदास मिश्र आपका सही राइट आंसर होगा।
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, उत्तराधिकारी रचना किसकी है बताइए, मनोहर श्याम जोशी, शिव मूर्ति, रामदास मिश्र या फिर हिमांशु श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 6 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर प्रीति जी, नीलम जी, उत्तराधिकारी रचना किसकी मानी जाती है, ये पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 में मनोहर श्याम जोशी जी की रचना मानी जाती है, कौन सी, उत्तराधिकारी। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है मनोहर श्याम जोशी, उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आखिरी आवाज किस विधा की रचना है बताइए, आखिरी आवाज बताना है किस विधा की रचना मानी जाती है, उपन्यास विधा की, कहानी या फिर संस्मरण या फिर निबंध, और इसके रचयिता भी बताना है, आखिरी आवाज किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, आखिरी आवाज ये रचना मानी जाती है, उपन्यास विधा की रचना है, विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, उपन्यास रांगी राघव जी का उपन्यास माना जाता है, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, उपन्यास सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। चंपाकली के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सही राइट आंसर चयन कीजिए, चंपाकली क्या होगा सही राइट आंसर, जयत शंकर प्रसाद, यशपाल, ऋषभ चरण जैन या फिर मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा गया है और 8 का सही राइट आंसर है चंपाकली के रचनाकार माने जाते हैं ऋषभ चरण जैन, आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, मायराम जी बिल्कुल सही राइट आंसर, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है, वह पत्रिका आपके लिए बताना है, कई वचन सुधा पत्रिका है, नांगरी प्रचारणी सभा, नांगरी प्रचारणी पत्रिका है, नादर्न इंडिया पत्रिका है या फिर आलोचना पत्रिका है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है, विकल्प नंबर बी यहां पर सही राइट आंसर होगा, नांगरी प्रचारणी पत्रिका से, नागरी प्रचारणी पत्रिका आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, कार्तिक जी जिन्होंने भी बी चयन किया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य सर्जना किस विधा की रचना मानी जाती है, ये आपको बताना है और किसकी रचना मानी जाती है, उपन्यास है, संस्मरण है, निबंध है या फिर आलोचना है। साहित्य सर्जना किस विधा की रचना मानी जाती है बताइए, सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि ये रचना मानी जाती है साहित्य सर्जना, ये आलोचना विधा की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, इलाचंद जोशी जी जो है उनकी आलोचना मानी जाती है, उनके द्वारा रचित, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, नई कविता का आत्मसंघर्ष आलोचनात्मक कृति के लेखक बताना है, कौन माने जाते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामदास मिश्र है या फिर डॉक्टर देवराज है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है, नई कविता का आत्मसंघर्ष आलोचना विधा की रचना है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है, तो विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना मानी जाती है नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्या पूछा गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किस रचना के लेखक कौन है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या ये रचना है
किसकी रचना मानी जाती है। नई नई रचनाएं आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगी, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाए जाएंगे इस क्लास में। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, और अपना यहाँ पर सही राइट आंसरों का 12 का अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या, ये रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही राइट आंसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 13, शब्द नाम कोश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूषण जी की रचना है, भिखारी दास, जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है विनोद जी, और यहाँ पर अपना सही राइट आंसर होगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही राइट आंसर है, शब्द नाम कोश के रचनाकार माने जाते हैं कौन, विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही राइट आंसर है, भिखारीदास। भिखारीदास जी की रचना मानी जाती है शब्द नाम कोश, बिल्कुल सही राइट आंसर, जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपका 14वां क्वेश्चन पूछा है, सुजान विलास किसकी रचना है, बताइए। सुजान विलास रचना बताना है, किनकी रचना मानी जाती है, सोमनाथ, गोप कवि, कुमार मणि या फिर ग्वाल कवि। क्वेश्चन नंबर 14 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 14 में, सुजान विलास ये रचना मानी जाती है किनकी। 14 का सही आंसर बताना है, और विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही राइट आंसरों का, सोमनाथ की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी चयन किया है सोमनाथ उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, सोमनाथ जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डी बता रहे हैं, विकल्प नंबर 1 होगा आपका सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रहीम की है, रहीम जी की रचना आपके लिए बताना है, ये तो सभी से बन जाएगा, नगर शोभा, ब्रंद सतसई, अनुराग बाग या फिर राम स्वयंवर, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। इनमें से आपको चयन करना है कौन सी रचना रहीम जी की है, तन्मय जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि रहीम जी की रचना पूछा है, तो नगर शोभा सही राइट आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर 1 में, सही आंसर लगाते हैं नगर शोभा में, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम पत्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। प्रेम पत्रिका एक रचना मानी जाती है, बोधा कवि की रचना है, ठाकुर, घनानंद या फिर दुजदेव। किनकी रचना मानी जाती है बताइए, प्रेम पत्रिका के रचनाकार बताना है, और आप सभी का सही राइट आंसर है ये प्रेम पत्रिका रचना तो मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर आपका 3 सही राइट आंसर होगा, घनानंद। घनानंद जी की रचना मानी जाती है प्रेम पत्रिका, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। तन्मय जी अभी तो अपनी जो है रोज क्लासें चल रही है, अभी बीच में बंद हो गई थी, गांव गए थे इस कारण, तो यहाँ पर प्रेम पत्रिका के रचनाकार पूछा है, तो यहाँ पर घनानंद आपका सही राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 क्या पूछा गया है देख लेते हैं, नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना कौन सी है, वह रचना आपके लिए बताना है, बताइए। नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना कौन सी है, ललित ललाम है, छंद सार है, श्रृंगार मंजरी है या फिर प्रबोध चंद्रोदय है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर चयन करना है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, नायिका वेद प्रतिपादित करने वाली रचना है श्रृंगार मंजरी। कौन सी है, श्रृंगार मंजरी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, ढेल सौ बनाए आए मेलत सभा के बीच, लेगन कवित्य की वो खेल करी जान्यू है, काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है, काव्य पंक्ति आपके लिए बताना है,
ठाकुर की है या फिर पजनेश की या फिर पद्माकर या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। गीता सिंह जी, क्या होगा ये सही राइट आंसर? ये काव्य पंक्ति जो दी गई है किनकी मानी जाती है? हाँ तन्नू जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, यानी कि ठाकुर आपका सही राइट आंसर होगा। ठाकुर जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर एक, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, ठाकुर जी की ये पंक्तियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, पंक्ति किसकी मानी जाती है? ये पंक्ति आपके लिए बताना है, बताइए। चिंतामणि की पंक्ति है, घनानंद जी की पंक्ति है, सेनापति जी की पंक्ति है या फिर बोधा जी की पंक्ति है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19, और सही राइट आंसर 19 का ये पंक्ति मानी जाती है बोधा जी की। बोधा राइट आंसर लगा देते हैं, प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, बिल्कुल सही राइट आंसर बोधा जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 20, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बिहारी को हिंदी मुक्तक काव्य साहित्य का बेजोड़ कवि किसने कहा है? ये आपके लिए बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर चयन करना है। चंद्रपाल जी बताइए, बिहारी को हिंदी मुक्त काव्य साहित्य का बेजोड़ कवि किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या सूरति मिश्र ने? तो क्वेश्चन नंबर 20 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 20 में विकल्प नंबर सी, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पूछा गया है, संत कवियों में किसकी भाषा सर्वाधिक परिमार्जित एवं कविता कलात्मकता से युक्त है? संत कवियों में पूछा है, बताइए। नाभादास या फिर अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास? 21 का सही राइट आंसर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और सही राइट आंसर 21 में विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। सुंदरदास यहाँ पर सही राइट आंसर चयन कर किया है सभी लोगों ने, विकल्प नंबर सी। संत कवियों में किसकी भाषा सर्वाधिक परिमार्जित और कविता कलात्मकता से युक्त है? तो सुंदरदास बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा गया है, मतीराम ने सतसई की रचना कब की, बताइए। रेखा जी बिल्कुल, इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी, नई प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? अंश जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा है, मतिराम ने सतसई की रचना कब की, ये पूछा है आपसे और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 1681 ईस्वी में, 1681 ईस्वी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 23वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि ने किस उपनाम से भी रचनाएं लिखी हैं, बताइए। चिंतामणि ने पूछा है आपसे, चिंतामणि ने किस उपनाम से भी रचनाएं लिखी हैं, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प है सोनू जी, लालमणि, रसमणि, काव्यमणि या फिर नीलमणि। चिंतामणि से पूछा है, चिंतामणि ने किस उपनाम से भी रचनाएं लिखी हैं, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 में लालमणि, यहां पर विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है लालमणि उनका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है, शिवराज भूषण ग्रंथ का रचना काल क्या है, इसका रचना काल आपके लिए बताना है, बताइए।
चार विकल्प दिए गए हैं, 1679 है, या फिर 1673 ईस्वी है, या फिर 1675 ईस्वी है, या 1671 ईस्वी है। चार विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिवराज भूषण ग्रंथ जो है इसका रचना काल क्या माना जाता है। तो 24 का आपका सही राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा राइट आंसर, 1673 ईस्वी आपका सही राइट आंसर होगा। 1673 ईस्वी यहां पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 25 पूछा है, महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ बताइए। महाराजा जसवंत सिंह जो है इनका जन्म आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर 1619 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, या फिर 1621 ईस्वी में बताइए। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म पूछा गया है और विकल्प नंबर 25 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, विकल्प नंबर बी तन्मय जी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है महाराजा जसवंत सिंह का। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है 26वां क्वेश्चन है, रीति काल के प्रसिद्ध कवि कुलपति मिश्र कहाँ के निवासी थे बताइए। ये निवासी बताना है, आगरा के निवासी थे, काशी के निवासी थे, या फिर लखनऊ के निवासी थे, या मथुरा के निवासी थे। रीतिकालीन कवि माने जाते हैं कुलपति मिश्र, और कहाँ के निवासी थे ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि ये आगरा के निवासी थे। 26 का विकल्प नंबर एक आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है, कवि देव के काव्य की भाषा बताना है क्या मानी जाती है बताइए। कवि देव के काव्य की भाषा अपभ्रंश भाषा है, या फिर अवधि भाषा है, या फिर खड़ी बोली है, या फिर ब्रज भाषा है। डीवी गैमा जी क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर दिया गया है 27, और 27 का सही राइट आंसर है, कवि देव के काव्य की भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार, यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। चार जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपका। दुर्गा प्रसाद खत्री का सामाजिक उपन्यास बताना है, इनका सामाजिक उपन्यास कौन सा है चयन कीजिएगा। सुवर्ण रेखा, भूतनाथ, काला चोर, या फिर कलंक कालीमा, इनमें से आपको बताना है दुर्गा प्रसाद खत्री का सामाजिक उपन्यास कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर चार, यानी कि कलंक कालीमा जो है ये दुर्गा प्रसाद खत्री जी का एक सामाजिक उपन्यास माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। सामाजिक उपन्यास पूछा है तो विकल्प नंबर डी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा कलंक कालीमा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा निबंध वियोगी हरि का नहीं है बताइए। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं बताना है पगली, भावना, गेहूं बनाम गुलाब, या फिर ठंडे छींटे, ये चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चयन कीजिएगा सही राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सा निबंध वियोगी हरि का नहीं है, वियोगी हरि का नहीं बताना है आपके लिए। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा गेहूं बनाम गुलाब, ये किनका माना जाता है बताइए। तो वियोगी हरि का नहीं है तो किनका है, विकल्प नंबर सी सभी लोग चयन कर रहे हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 यहाँ पर दिया गया है, सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही आंसर का चयन करना है, सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा
क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, जिन्होंने यहाँ पर भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है यानी कि माधुरी। माधुरी सही राइट आंसर लगा देते हैं। माधुरी पत्रिका में सुदर्शन जी की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत ये जो है प्रकाशित हुई थी। विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर होगा, माधुरी होगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, भारत सरकार द्वारा मुकुटधर पांडे को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था इनके लिए, कब सम्मानित किया गया बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1976 में, 1977, 1981 या फिर 1982 में। मुकुटधर पांडे जी को चयन कीजिएगा सही राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चार विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा लखविंदर जी बिल्कुल 1976 सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। 1976 में भारत सरकार द्वारा मुकुटधर पांडे जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 32, सेठ गोविंद दास का पहला नाटक बताना है कौन सा है? चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं। सेठ गोविंद दास का पूछा है, पहला नाटक है कर्तव्य, नवरस या विश्व प्रेम या फिर प्रकाश। चयन कीजिएगा सेठ गोविंद दास, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, नाटक पूछा गया है आपसे तो सही राइट आंसर है विकल्प नंबर तीन होगा सही आंसर, विश्व प्रेम। विश्व प्रेम जो है ये सेठ गोविंद दास का पहला नाटक माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर आपका तीन जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विश्व प्रेम नाटक विधा की रचना है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ सॉरी तीन यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 33वां क्वेश्चन है, निराला के पिता का क्या नाम था बताइए, ये पूछा गया है। निराला के पिता का नाम आपसे पूछा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके पिता का नाम था भगवान सहाय या राम प्रसाद, राम सहाय या फिर श्री राम। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, निराला जी के पिता का नाम था क्या नाम था श्वेता जी? विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर सी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं राम सहाय इनके पिता का नाम था। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं है बताइए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? चयन करना हम विस्पाई जन्म के, एक कंठ विस्पाई या फिर सृजन की ललकारे या विप्लव गायन। क्वेश्चन नंबर 34 है, सही राइट आंसर चयन करना है कौन सा काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं है, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। हाँ राखी जी बिल्कुल, ये आपके बहुत सारी पुस्तकों से जो है अलग अलग पुस्तकों से क्वेश्चन टाइप किए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक कंठ विस्पाई आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है, एक कंठ विस्पाई आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 दिया गया है, उदय शंकर भट्ट ने किस भाषा में कवित्त सवैयों की रचना की है बताइए, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आप सभी का 35वां क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर अवधि, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तन्मय जी बिल्कुल, उदय शंकर भट्ट ने किस भाषा में कवित्त सवैयों की रचना की है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह सही राइट आंसर है यानी कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही, जिन्होंने विकल्प नंबर एक चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 36वां क्वेश्चन, देखते हैं 36वां क्वेश्चन ये रहा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित किस पत्र को प्रगतिवादी प्रगतिवाद काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है, वह पत्र आपके लिए बताना है कौन सा वह पत्र है, हंस है, जागरण है, या फिर माधुरी है, या रूपाब है, इनमें से चयन कीजिएगा सही आंसर बताइए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, एक बार लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका सही राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित किस पत्र को प्रगतिवाद काव्य के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है, रूपाब जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यशपाल का देशभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है, यशपाल का पूछा है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, झूठा सच, या फिर दिव्या, बताइए। यशपाल जी का देशभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यशपाल का देशभाजन की त्रासदी पर आधारित जो उपन्यास है वह झूठा सच है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है झूठा सच विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है, फिल्म भी बनी है वह उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा वह उपन्यास है, चयन कीजिएगा सही राइट आंसर, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और पतन है, भूले बिसरे चित्र है, या फिर चित्रलेखा है, या फिर 3 वर्ष, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर जो है फिल्म बनी है, तो आप सभी का राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर जो 2 है वह सही राइट आंसर है, यानी कि चित्र भूले बिसरे चित्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, भूले बिसरे चित्र होगा सही राइट आंसर, विकल्प नंबर भी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया 39, इलाचंद जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, बताइए। इलाचंद जोशी पूछा है आपसे, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, इलाचंद जोशी पूछा है किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, आंचलिक, या फिर प्रयोगवादी, तो सही राइट आंसर है प्रयोग मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। और इलाचंद जोशी जी का पूछा जाता है प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो घृणावई जो है इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है, इलाचंद जोशी जी का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार माने जाते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र किस प्रकार के नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं, ये आपको बताना है, बताइए ज्ञान जी क्या होगा राइट आंसर, 4 विकल्प दिए गए हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र जो है किस प्रकार के नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं, सामाजिक, समस्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, या फिर ऐतिहासिक। 40वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है 40 का विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा, ये समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर होगा। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो पहला समस्यात्मक नाटक माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, सन्यासी, सन्यासी याद रखिए इनका ये जो है प्रथम जो है समस्यात्मक नाटक माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता कौन सी है, ये आपके लिए बताना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान बताना है इनकी पहली कविता है झांसी की रानी, नीम, या फिर मेरा बचपन, या फिर मेरा जीवन, चयन कीजिएगा, 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता पूछा है कौन सी है, तो आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, ये तो सभी के लिए पता होगा कौन सी है,
दो होगा विकल्प नंबर दो राइट आंसर, यानी कि नीम। नीम सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है नीम, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 42वां क्वेश्चन पूछा गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बताइए। वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी वह रचना, भारत की मौलिक एकता, या फिर पद्मावत संजीवनी व्याख्या, हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, या मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार बताना है किस रचना पर दिया गया है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 42 में बताना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, भी राइट आंसर होगा। कब दिया गया था अगर आपके लिए पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, कब दिया गया था 1956 में ये पुरस्कार जो है इस रचना पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने राम कुमार वर्मा की एकांकी बादल की मृत्यु को हिंदी की प्रथम एकांकी माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, नंद दुलारी वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर नामवर सिंह ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। सुनील तिवारी जी क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, किस विद्वान ने आपको बताना है राम कुमार वर्मा की एकांकी बादल की मृत्यु को हिंदी की प्रथम एकांकी माना है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चार राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, डॉक्टर नगेंद्र है सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूछा गया है, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बताइए। आपके लिए वह पत्रिका बताना है हंस है, या फिर जागरण है, या फिर विशाल भारत है, या रूपाब है, ये चार विकल्प है, इनमें से आपको चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रोज अपनी ये क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, सभी के लिए पता होगा, जिनके लिए नहीं पता है तो रात्रि में 10 बजे अपनी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, और जैनेन्द्र की प्रथम कहानी जो है विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वह आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विशाल भारत आप सभी का सही आंसर होगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह कौन सा है, बताइए, मैं के आंगन चहके द्वार, बाजे पहलिया के घुंघरू, या फिर आकाश के तारे धरती के फूल, या तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, ये चार विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह कौन सा है, तो सही राइट आंसर है 45 में, विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और विकल्प नंबर 3 यानी कि सी आपका सही आंसर है, आकाश के तारे धरती के फूल, ये इनका लघु कथा संग्रह माना जाता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 46 दिया गया है, नंद दुलारी वाजपेयी ने किस काव्य को मानवीय ब्रह का काव्य कहा है, बताइए। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किस काव्य को मानवीय ब्रह का काव्य कहा है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का, आंसू अंधेरे में, या फिर परिवर्तन, या कामायनी को, तो विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जो है सही राइट आंसर होगा, आंसू जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, आंसू आपका सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सोहनलाल द्विवेदी का बाल साहित्य बताना है, इनका बाल साहित्य कौन सा है, स्वेता जी चयन कीजिएगा, मंजू जी क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दूध बतासा, बसंती, चेतना, या फिर कुणाल, सोहनलाल द्विवेदी जी का बाल साहित्य चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 47 में, विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, यानी कि दूध बतासा यहाँ पर सही राइट आंसरों का बाल साहित्य माना जाता है सोहनलाल द्विवेदी जी का,
विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 पूछा गया है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया, कब मिला था और किस काव्य के लिए मिला था, ये भी आप बता दीजिए। 1994 में, 1982 में, 1991 में या फिर 1983 में। तो सही राइट आंसर है आपका 48वां क्वेश्चन है और 48 का सही राइट आंसर है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। कब मिला था? 1982 में ये पुरस्कार मिला था। किस काव्य के लिए मिला था? यामा काव्य के लिए मिला था। यामा याद रखिए, बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी के लिए पता है, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस काव्य के लिए श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर चयन करना है, 49वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा, किस काव्य के लिए श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला था? त्रेता के दो वीर, जौहर, कमल या फिर हल्दी घाटी। चार विकल्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसरों का 49 में। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग एक बार, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और हल्दी घाटी यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं, हल्दी घाटी जो कि श्याम नारायण पांडे जी की रचना मानी जाती है, काव्य रचना मानी जाती है, इस पर इनको देव पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, बताइए, अब्दुल रहमान को, सालीबद्ध सूरी को, सरयपा को या फिर स्वयंभू को। ये तो सभी से बन जाएगा, सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। अंजू वर्मा जी क्या होगा सही आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प नंबर एक, यानी कि अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने यहाँ पर जो है सही आंसर का चयन किया है, अब्दुल रहमान राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस प्रकार यहाँ पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो अपनी ये रोज क्लास होती है, एक सुबह 9 बजे होती है एक क्लास और एक रात्रि में आपकी 10 बजे होती है, ये दोनों इसी चैनल पर क्लास होती हैं। कल संडे तो 9 बजे वाली क्लास आपकी नहीं होगी और ये रात्रि में जो ये चल रही है ये अपनी कल भी होगी, संडे को भी ये क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की। तो इससे सभी लोग जुड़ा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, नए नए क्वेश्चन इस क्लास में आपके लिए लाए जाते हैं। और हिंदी साहित्य में यहाँ पर 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आए हैं, अलग अलग टेस्ट आपके लिए यहाँ पर 215 टेस्ट इस पूरी सीरीज में है, अलग अलग कवियों लेखकों का जीवन परिचय है। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डाउनलोड कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है, रजनी जी और ललिता जी, बिल्कुल, मनीषा जी, मेघा जी, अर्चना जी, मीना जी, जसविल जी, तनु जी, कुमारी सरिता जी और नेशा वर्मा जी, संगीता जी, खुशबू जी, सुनील जी, मनीषा गिल जी, तनु जी, मंजू जी, अंजू जी और जसमेल जी, सोनू जी, शिल्पा जी, प्रीति जी, विनोद जी, कार्तिक जी, मनीषा गिल जी, निशा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, प्रियंका जी, नीलम जी, अंश जी, रजनी वाला जी, सोनू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, जसमेल जी, कुमारी सरिता जी और डीवी गैमर जी, लखविंदर जी और मायराम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, सुनील तिवारी जी, तो सभी लोग जो है लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा। मीना जी, अंजू वर्मा जी, रोज अपनी ये क्लासें होती हैं, सभी लोग रोज इसी तरह से जुड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपकी जो लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन नीलम जी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में, बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि अर्चना जी, और सभी के लिए जय हिंद।